अकेली हूँ तो कैसी महफिलों की याद आती है, अकेली हूँ तो कैसी महफिलों की याद आती है, मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। कोई रिश्ता बना के मुतमईन होना नहीं अच्छा, कोई रिश्ता बना के मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी गोल्ड के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 12:11 और 55 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए फिर कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब उठा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बात दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब। लेकिन मैं तो पूछूंगी, आजी क्या हालचाल, सब खैरियत? तो फिर स्माइल करिए ना, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं, और जब आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं तो मेरे साथ तो आप अपने आप जुड़ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लास्ट टाइम कब मुस्कुराए थे तो क्या जवाब होगा आपका? अब आप कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था मुस्कुराओ। ठीक है, लेकिन मैं उस खुशी की बात कर रही हूँ जिसे सबसे पहले
सिर्फ आपने महसूस किया था। मुझे लगता है शायद सोचना पड़ेगा, क्या सच में मुस्कुराना या खुश रहना इतना मुश्किल है? तो मेरा जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी खुशियों का पैरामीटर बहुत हाई कर दिया है। छोटी छोटी खुशियां दरवाजे पर दस्तकें तो देती हैं, लेकिन हम ही बड़ी बड़ी खुशियों के लिए, छोटी छोटी खुशियों की खातिर दरवाज़ा खोलना ही भूल जाते हैं। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। गाने के इस पार आप ही से बातें, आप हैं अपनी रात की हम सफ़र मंजू के साथ। हे आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए भी जिंदगी। हो दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी Thank you.
हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। भूले से भी गम आए ना वहाँ, प्यार है जहाँ बंदगी हो, आती रहेंगी बहारें। सच्चाई तो यही है कि बहारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, पर दिक्कत तब शुरू होती है जब हम बहारों को कैद कर लेना चाहते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि खुशियां इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम उन्हें बना देते हैं। दरअसल होता क्या है, जब हम अपनी खुशियों का रिमोट और लोगों के हाथों में थमा देते हैं, और आजकल ये रिमोट तो सोशल मीडिया के हाथों पर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे इतने लाइक्स मिलते हैं, मुझे इतने कमेंट्स मिलते हैं, मेरी इतनी रीच है, बहुत अच्छी बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो खुशियों की डिपेंडेंसी है वो सोशल मीडिया तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया परछाइयों की दुनिया है। यहाँ ज़्यादातर लोग अपने कद से बड़ा नज़र आने की कोशिश करते हैं, और आपको तो मालूम ही है परछाइयों का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, और अंधेरे में परछाइयाँ नज़र ही नहीं आती। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। गाने के उस पर आप ही से बातें, आप हैं अपनी रात की हम सफ़र भंजू के साथ। कितने जलवे फिजाओं में
रे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। निर्णय 2024 देश का पहला और सबसे विश्वसनीय प्रसारक आपके लिए ला रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी परिणामों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम 4 जून सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मतगणना के पल पल की खबर जानिए कौन है आगे और कौन पीछे हर सीट से सटीक जानकारी कौन हारा और किसने बाजी मारी देश की करोड़ों जनता का क्या है निर्णय आकाशवाणी गोल्ड और अन्य आकाशवाणी चैनलों पर सुनिए लोक निर्णय 2024। ये
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। कंचन प्यार, अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है हे कंचन हे कंचन ओ प्यार। गलियों की रानी कोई हो तुम रहती हो कहीं ओ ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी कोई हो तुम रहती हो कहीं तुमसे बढ़ के यारा कौन हमको तो तुमसे है हे हे कांची अरे हे कांची ओ प्यार। आँखों में ये सूरत है किसकी हो एक नजर तो देखो कम से कम देखो इन आँखों में ये सूरत है किसकी हो एक नजर तो देखो कम से कम आखिर है हमारा कौन हमको तो तुमसे है हे कांची अरे हे कांची ओ प्यार। लाओ ओ जाए भी तो जाए हम कहां ओ कहते हो के जाओ लेकिन बतलाओ ओ जाए भी तो जाए हम कहां ऐसा दिल का मारा कौन हमको तो तुमसे है हे हे कांची अरे बाबा हे कांची ओ प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है हे कांची अरे हे कांची प्यार। ये है
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जैसे आसमान तैयार पैदा हुआ था, जैसे आसमान तैयार पैदा हुआ था और फूल को कभी सजने का ख्याल नहीं आया, इंद्रधनुष कभी बाजार नहीं गया और सावन ने कभी आईना नहीं देखा और बसंत ने कभी अपने प्रेमियों से झुमकों की जिद नहीं की, मेरे प्रिय तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है किसी भी श्रृंगार की। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:37 और 8 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर
नहीं तो क्या, बिल्कुल फूलों की तरह मुस्कुराना चाहिए। पता नहीं पर हम अपने आप को इतना मुश्किल क्यों बना रहे होते हैं, करते हैं आप ऐसा? शायद हम खुद को लोगों की पहुंच से बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम मुश्किल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर सच कहूं, जो सुकून सरल होने में मिलता है ना, वो मुश्किल होने में बिल्कुल नहीं मिलता। और आपको तो मालूम ही है, सरल होना साधारण होना नहीं होता। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं, कहने के उस बार आप ही से बातें, आप हैं अपनी रात की हम सफर मंजू के साथ। तेरे कारण मेरे
आपको मालूम है ना, मैं अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ, और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है दिल से दिल तक जुड़ना। मैं आपसे जो भी बातें करती हूँ, चाहे वो इश्क मोहब्बत की बातें हों, चाहे सितारों की बात हो, रंगों की बात हो, फूलों की बात हो, खुशबू की बात हो, मेरी सारी बातों का निचोड़, सारांश कहीं ना कहीं एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ इशारा करता है। और जिसे मैं बेहतर समझती हूँ उसे मैं आप तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। आपको तो मालूम ही है मैं उस ज़िंदगी की ज़्यादा वकालत करती हूँ जिसमें दिखावटीपन और मिलावटीपन कम से कम हो और ज़िंदगी अपने चटक रंग के साथ परफॉर्म करती हुई नज़र आए। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। गाने के इस पार आप ही से बातें, आप हैं अपनी रात की हम सफ़र मंजू के साथ, और ये है निशिगंधा।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। छोड़ सारे इन किस्सों को, इन इरादों को, इन वादों को, तू आईना देख और बता कि मेरी पसंद कैसी है। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी गोल के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू और ये है निशिगंधा। ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से के तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, के मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई, मेरे प्यासे नैना तरसे, तू निकली ना घर से कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, के तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान। निशिगंधा में आज के लिए इतना ही। 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ।